हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्लासेस पटना। आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि कोरोना का यह डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, यह कितना खतरनाक है, क्या इस पर वैक्सीन असर करता है और ये कोरोना का थर्ड वेव कब तक आएगा और क्या इस थर्ड वेव का जो जिम्मेदार होगा वो डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा। इन सारी बातों को आज की वीडियो में अच्छे से समझते हैं, तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा और चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कोरोना जो फैला वो कहाँ से फैला, चाइना के वुहान शहर से फैला। लेकिन ये जैसे जैसे अलग अलग कंट्री में फैलते चले गए तो इसमें म्यूटेशन होने से बहुत सारे वेरिएंट बनते चले गए। वेरिएंट क्या होता है कोरोना का? अलग अलग वेरिएंट का आपने नाम सुना होगा, जैसे अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, बहुत सारा वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है कि हर वायरस में जब हजारों और लाखों की संख्या में वो वायरस हो जाता है तो उसमें म्यूटेशन शुरू हो जाता है। म्यूटेशन मतलब चेंजिंग, थोड़ा सा म्यूटेट कर चेंज होता है और इसी चेंजिंग में अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जैसे कोरोना के साथ हुआ, कोरोना भी लाखों और हजारों की संख्या में जब फैलना शुरू हो गया तो इसी में भी कुछ वायरस म्यूटेट करके अलग स्वरूप का वायरस बन जाते थे और इसी अलग स्वरूप में अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिला। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मोबाइल फोन का अगर आप एग्जांपल लीजिएगा तो ये पहले मोबाइल फोन जो आता था आज से 5-7 साल पहले तो छोटा सा फोन आता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन होता चला गया तो फिर फोन क्या हुआ, 3G फोन आने लगा, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन टच। और आज के डेट में देखिएगा तो स्मार्टफोन आ गए हैं, जो एक से एक स्मार्टफोन आ गए, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। यानी ये एवोल्यूशन हुआ है फोन में, तो ये चेंजिंग देखने को मिला है। और शुरू में ये सारा कुछ क्या है, ये सब तो फोन ही है, चाहे वो छोटा वाला फोन हो, बड़ा वाला फोन हो या स्मार्टफोन हो, सब के सब क्या है, फोन है। लेकिन इसी में एवोल्यूशन देखने को मिला। उसी तरह से कोरोना वायरस में भी क्या हुआ है, एक तरह से चेंजिंग या एवोल्यूशन देखने को मिला है, अलग अलग वेरिएंट देखने को मिला है। धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते नए नए वेरिएंट बनते चले गए हैं और इसी नए वेरिएंट को हम बोलते हैं कोरोना का अलग अलग वेरिएंट आ रहा है और म्यूटेट करके चेंज हो रहा है, जिस वेरिएंट का अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे ब्रिटेन वाले वेरिएंट को केंट या अल्फा वेरिएंट कहा गया, साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट को बीटा वेरिएंट कहा गया, ब्राज़ील वाले वेरिएंट को गामा वेरिएंट कहा गया और इंडिया में जो सेकेंड वेव आया था जिसमें लाखों लोग संक्रमित हुए थे, लाखों लोगों की मौत हो गई थी, इस वेव के लिए जो जिम्मेदार वेरिएंट था वो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था, जिसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा गया। ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट था, इससे लाखों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग संक्रमित हुए और पूरे भारत में त्रासदी मच गई थी, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से भयावह माहौल हो गई थी। तो इतना खतरनाक वेरिएंट था। एक नया वेरिएंट जो अभी आया, जो हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में है, वो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है और ये वेरिएंट काफ़ी खतरनाक वेरिएंट है, क्योंकि ये वेरिएंट दुनिया के लगभग 11 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और ये इतना ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है, कहा जाता है कि पिछले सारे कोरोना के वेरिएंट से ये 60% ज़्यादा संक्रमित करते हैं। यानी लोग कितना परसेंट ज़्यादा संक्रमित कर देते हैं, 60% ज़्यादा संक्रमित करने के लिए सक्षम है। इसे आप ऐसे समझिए कि पिछला जो कोरोना वेरिएंट था वो आपके फेफड़ा या लंग्स को 7 या 8 दिनों में या 6 दिनों में संक्रमित कर सकता था, तो ये नया वेरिएंट जो है वो 2 ही दिनों में उतना संक्रमित कर देता है, इतना तेज इसका संक्रमण या इन्फेक्शन फैलता है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक है और WHO ने भी इस पर चेतावनी दी है, इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसे चेतावनी दे चुकी है और साथ में दुनिया के ये 11 देशों में 200 से ज़्यादा अभी तक इसके मामले आ चुके हैं, जो कि एक चिंतनीय विषय है। इंडिया में भी देखिएगा तो कुछ मामले अलग अलग स्टेट्स में ज़रूर देखने को मिले हैं और इससे 2 मौतें अभी तक हो भी चुके हैं, लेकिन जो भी मौतें हुई है उनमें से किसी को वैक्सीन्स नहीं दिया गया था, यानी बिना वैक्सीन्स वाले लोगों की मौतें हुई है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पे वैक्सीन कारगर है या इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये वैक्सीन और इम्यूनिटी को भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा वेरिएंट के लक्षण तो है ही, जो सेकेंड वेव में इंडिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था, साथ ही साथ इसमें साउथ अफ्रीका के बीटा वेरिएंट का भी लक्षण है। और इंडिया का जो वैक्सीन है कोविशील्ड या कोवैक्सीन, वो डेल्टा वेरिएंट पे बहुत प्रभावी है, बीटा वेरिएंट पे उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन इसमें दोनों लक्षण होने के कारण ये कहीं ना कहीं वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है, जो कि एक शोचनीय विषय है। तो हमारा वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पे कारगर बहुत बढ़िया है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर उतना इफेक्टिव नहीं है जितना हम सोच सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इंडिया में थर्ड वेव कब तक आएगा, क्योंकि सेकेंड वेव ने तो अपना तबाही मचा दिया। तो देखिए, इंडिया के जो रिसर्चर हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय वगैरह की तरफ से जो डेटा पब्लिश किए गए हैं उसके मुताबिक इंडिया में जो थर्ड वेव है वो 6 से 8 वीक के बाद आ सकते हैं,
ठीक है, यानी लगभग लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने तक थर्ड वेव देखने को मिल सकती है इंडिया में। लेकिन अगर हम लोग सतर्क ना रहे, अगर हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करें और जिस तरह से अनलॉक हुआ है तो हम लोग जिस तरह से खुली छूट में घूम रहे हैं, तो उससे ये जो थर्ड वेव है वो और जल्दी आ सकता है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा सुरक्षा रखना पड़ेगा। और इसी के साथ कोरोना का डेल्टा वेरियंट जिस रफ्तार से फैलते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या थर्ड वेव के लिए इसे जिम्मेदार माना जा सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी उतना पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से ये अपना पांव पसार रहा है, तो एक चिंतनीय विषय है कि थर्ड वेव का जो जिम्मेदार हो सकता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट थर्ड वेव लाया इंडिया में, तो ये बहुत ही घातक होगा, क्योंकि ये संक्रमण के मामले में बहुत ही तेजी से संक्रमित करता है पिछले सभी कोरोना वेरियंट के तुलना में। तो इसे हम लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब एक बात और समझते हैं कि क्या कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचा जा सकता है या इससे बचने का कोई उपाय है। तो देखिए, इससे बचने का कोई अभी तक बहुत बड़ा उपाय हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वैक्सीन्स का क्या हाल है मैं आपको बता ही दिया हूँ, सारी चीज़ों का स्थिति आप जान ही रहे हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, डबल मास्किंग का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ इलाके से बचें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके ही आप कोरोना के इस वेरिएंट से बच सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा घातक है और बहुत ही ज़्यादा संक्रमित है। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना होगा और हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल है इसे पालन करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक हुआ है, हम लोग जिस तरह से सावधानियाँ नहीं बरत रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और जल्दी से जल्दी कोरोना का थर्ड वेव का आगमन हो सकता है। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।